जो आर्थिक मंदी थोप रहे हैं, देश को लूट रहे हैं, उसमें आप देशभक्त हो गए? नथुराम गोडसे की भक्ति करने वाले लोगों को आप एमपी बना करके आप भेज रहे हैं। सावरकर का भी हाथ गांधी की हत्या में था, ये सब लोग जानते हैं, ये इतिहास बताता है। उस सावरकर को जिन्होंने ब्रिटिश लोगों से, अंग्रेज लोगों से माफी मांगी थी, वो वीर सावरकर थोड़ी, वो तो कायर सावरकर नाम होना चाहिए उनको। तो कायर सावरकर का, कायर सावरकर के लिए आप अवार्ड का नाम ले रहे हैं। करेंगे मोदी जी से, मोदी के कैबिनेट के मंत्रियों से, तो वो तो कह रहे हैं मंदी कहाँ है, कैसे कह रहे हैं कि मंदी नहीं है, कह रहे हैं कि मूवी थिएटर में देख लीजिए, कुछ मूवीज जो है वो, कुछ फिल्में जो है वो ब्लॉकबस्टर वो चल रही हैं, इसका मतलब है कि मंदी नहीं। मंदी के जितनी निशानियां हैं उस सब पर वो कह रहे हैं कि आंखें तो हमारी बंद है ही, आप ही बंद कर लीजिए, आपको हम तथ्य बताएंगे नहीं। चुनाव से पहले भी सबने कहा था कि बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं उसको इन्होंने दबा दिया था, इन्होंने कह दिया था कि बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं जो बता रही है कि 5 साल में नहीं, 10 साल में नहीं, 45 साल में सबसे खराब बेरोजगारी ये सरकार लाई है 5 साल के अंदर। इसका मतलब ये नहीं, मोदी जी कहते रहते ना कि पहले की जितनी सरकारें थी वो पहले की सरकारों का पाप हम लोग धो रहे हैं, उसको हम लोग मरम्मत कर रहे हैं, टाइम लगता है, लेकिन भाई पहले की जो सरकारें थी उससे लड़ने का काम तो हम ही लोग करते थे, यही लाल झंडा हाथ में लेकर के लड़ने का काम तो हम ही लोग करते थे, आप तो नहीं लड़ते थे, आप तो उन्हीं पूंजीपति के सेवक हैं जो पिछले सरकारों की तरह। लेकिन फर्क एक ही, और बड़े फर्क कुछ कुछ हैं, पिछले की सरकारों की तुलना में ज्यादा बेशर्म ये सरकार है, और भयानक तरीके से पूरे देश पर एक तरह से हमला इन्होंने ढाया है। और वो सरकार, ये जो इस समय मंदी है, याद करिए कि दुनिया में जब मंदी थी उस समय भारत कुछ हद तक बचा हुआ था, इस वक्त दुनिया में मंदी नहीं है, इस वक्त भारत में जो मंदी है वो मोदी का वो मेक इन इंडिया है ना, उन्होंने ये मेक इन इंडिया मंदी है, ये मेड इन इंडिया मंदी है, मेड बाय मोदी मंदी, ये मोदी जी का अपना निजी मंदी है, ये जो उन्होंने खुद लगाया है पूरे देश पर। कैसे? अच्छा भला चल रहे अर्थतंत्र को उन्होंने नोटबंदी करके उस पर हमला किया, उसके पैरों पर कुल्हाड़ी मारा, उसके बाद में वो काफी नहीं था तो उसके बाद में फिर अधकचरा जीएसटी लगाया, और उसके बाद में जब हाल ये हो गए रोजगार, उस समय सब कह रहे थे भाई रोजगार खत्म हो जाएगा, देख लो खत्म हो रहा है, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं सुना, इन्होंने रोजगार खत्म करने का काम किया। और अब मंदी से निजात पाने के नाम पर ये आरबीआई को लूट करके, जो लूटा हुआ पैसा है आरबीआई से लूट के, आरबीआई में जो पैसा है वो पैसा कोई उनका अपना थोड़ी है, वो तो हमारा आपका है, वो तो देश की जनता का है, आरबीआई से पैसा लूट करके वो उसी पैसे को कॉर्पोरेट को, बड़े बड़े पूंजीपतियों को दे दे रहे कि लो तुम्हारा टैक्स हम माफ कर दे रहे हैं, तुम्हारे जितने ऋण आपने लिए हुए हैं, बैंकों से लोन लिया है वो माफ कर देंगे, आपका सब कुछ हम माफ कर देंगे, मंदी से निजात पाने के नाम पर, मंदी से निजात पाने के नाम पर वो निजीकरण करेंगे। अच्छे भले जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं, बीएसएनएल जैसी कंपनियां, डिफेंस की जितनी ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज हैं, उस सब को वो निजी हाथों में दे देंगे, यानी जितने बने बनाए 70-75 साल में जो बनाया है देश ने उसको या तो बिगाड़ेंगे या तो ले करके निजी हाथों में भेंट कर देंगे और कहेंगे कि मंदी से निजात हो जाए। मंदी से निजात जो बड़े बड़े पूंजीपति सेठ लोग हैं उनकी सेवा करके नहीं होने वाला है। मोदी जी कह रहे हैं कि उनका सम्मान करिए, भाई सम्मान एक चीज होता है लेकिन देश की जनता के पेट पर लात मार के आप उनको लूटने की छूट देंगे, ये देश का असम्मान है, देश की जनता का असम्मान। धन जो है देश की जनता बनाती है, मोदी जी कह रहे हैं कि धन जिसके पास है वो धन बनाते हैं, वो देश का विकास करते हैं, ऐसा नहीं है। धन बनाने का काम देश के गरीब मजदूर करते हैं, गरीब लोग करते हैं, किसान करते हैं, उसके बाद में धन को लूटने का काम ये बड़े बड़े मुनाफाखोर करते हैं। आज उनके सेवा के नाम पर आप देश पर मंदी थोप दिए हैं और मंदी से निजात के नाम
रक्षा उन्हीं की कर रहे हैं। अगर मंदी से निजात पाना है तो बिल्कुल साफ है कि आपको लोगों की क्रय शक्ति बनानी हो। लोग आज कार खरीदना तो दूर की बात, 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट तक खरीदने की क्षमता नहीं बची है, ये पता चल रहा है। इसीलिए तो मंदी है। अगर आप चाहते हैं कि ये सुधरे तो आपको लोगों के हाथ की क्रय शक्ति बढ़ानी होगी। लोगों के हाथ की क्रय शक्ति कैसे बढ़ेगी? जो आपने यहाँ उठाया है सवाल कि भाई न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाओ, न्यूनतम मजदूरी हर किसी को मिले, इसका गारंटी करो। न्यूनतम मजदूरी कह दोगे कि फलाना है, लेकिन उसको लूट लोगे, उसका आधा दे दोगे, कागज पर कह दोगे कि पूरा दे दिया और दोगे आधा, इसको ठीक करो। न्यूनतम मजदूरी सबको दो, पेंशन सबको दो और पेंशन बढ़ाओ। जो बुजुर्ग लोग हैं, जीवन भर काम किए हैं, पेंशन कोई उनके लिए चैरिटी थोड़ी है। जो आपने अपने इसमें दे दिया, वो तो उन्होंने कमाया है अपने पूरा जीवन भर मेहनत करके, जीवन भर जिन्होंने मेहनत किया है उनको आप पेंशन दीजिए। यहीं से तो आप ठीक कर पाएंगे, यहीं से तो आर्थिक मंदी को आप ठीक कर पाएंगे। लेकिन सरकार ये नहीं कर रही, और सरकार के खिलाफ जो लड़ाई है, जो वामपंथी दल लड़ रहे हैं, जो हम लोग इतने समय से कैंपेन करके आज पूरे देश भर में आज ये हो रहा है प्रदर्शन, लेकिन इसको एक तरह से दबाने के लिए सरकार क्या क्या कर रही। सरकार चाहती है कि हम लोग बंट जाए, सरकार चाहती है कि देश की जनता को बांट दो, बांट करो राज करो, बांट दो राज करो। बांटती कैसे है? आज जो है राम मंदिर के नाम पर, वो आज सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा, देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या कहती। लेकिन ये चाहते क्या है? ये चाहते हैं कि मंदिर मस्जिद करके लोग कटे मरे। और जो अन्याय हुआ, बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, उस विध्वंस के मामले में जो आरोपी हैं उनके साथ न्याय कभी ना हो, लेकिन भाई मंदिर बनेगा कि मस्जिद होगा क्या होगा, उस चीज को आप फास्ट ट्रैक करके कोर्ट में चला रहे हैं। कोर्ट सुनवाई कर रही है, वो जो भी कहेगी उस पर जो है लड़ाई चलेगा। कश्मीर में जो किया, कॉमरेड येचुरी जी ने भी कहा, कश्मीर अभी भी बंद है, कश्मीर की जनता बंद है, और कश्मीर की जनता के पक्ष में, कैद कश्मीर के पक्ष में जो लोग बोल रहे हैं वो कह रहे हैं हम देश विरोधी, आप देश विरोधी हो, क्योंकि कश्मीर के लिए आपको दर्द हो रहा है, कश्मीर के लिए आप बोल रहे हैं। भाई कश्मीर और कश्मीरियों के पक्ष में जो भारत के लोग बोल रहे हैं, हम सारे लोग गर्व से बोल रहे हैं कि हाँ हम भारत के नागरिक हैं और कश्मीर की पीड़ा हमें समझ में आ रही है, हम उनके पक्ष में बोलेंगे, ये कहने के लिए हम हो गए देशद्रोही। और पूरे देश के तमाम लोगों पर आप जो हमला कर रहे हैं, जो आर्थिक मंदी थोप रहे हैं, देश को लूट रहे हैं, उसमें आप देशभक्त हो गए। नथुराम गोडसे की भक्ति करने वाले लोगों को आप MP बना करके आप भेज रहे हैं। सावरकर का भी हाथ गांधी की हत्या में था, ये सब लोग जानते हैं, ये इतिहास बताता है। उस सावरकर को जिन्होंने ब्रिटिश लोगों से, अंग्रेज लोगों से माफी मांगी थी, वो वीर सावरकर थोड़ी, वो तो कायर सावरकर नाम होना चाहिए उनको। तो कायर सावरकर का, कायर सावरकर के लिए आप अवार्ड का नाम ले रहे हैं। देश को बांटने की साजिश में आप हिंदू मुस्लिम लड़ा रहे हैं। मोहन भागवत कह रहे हैं कि लिंचिंग शब्द जो है, यानी भीड़ द्वारा हिंसा, ये विदेशी साजिश है। भाई विदेशी साजिश है आपको बदनाम करने के लिए, तो आप उसके खिलाफ सड़क पर उतरते? आप कहते कि ये नहीं होना चाहिए हमारे देश में, हमारे भारत में लिंचिंग होनी नहीं चाहिए, ये नहीं कह रहे। कह रहे होगा, हम करवाएंगे, लेकिन उसके खिलाफ बोलना देशद्रोह, उसके खिलाफ बोलोगे तो ये विदेशी साजिश हो जाए। करना जो है ये बिल्कुल सही है, करना हम करवाएंगे। तो ये जो करवा रहे हैं, इसके खिलाफ एकता बनाना, महिलाओं के अधिकारों की बातों को रखना, जो बलात्कार पीड़िता है उसको जेल में ये लोग डाल दे रहे हैं और बलात्कारी जो है उसको बचाने में लगे हुए, इस सब के खिलाफ एकताबद्ध तरीके से आवाज उठाना। क्योंकि हम लोग जिस देश के लिए, जिस देश से प्यार करते हैं, जिस देश के लिए लड़ना चाहते हैं, जिन चीजों के लिए लड़ रहे हैं, वो हम बांट बांट के नहीं देखते। हम आर्थिक मंदी का सवाल, मजदूरी का सवाल, मेहनत मजदूरी का सवाल, रोजी रोटी का सवाल, हम न्याय के सवाल से काट के नहीं देखते हैं। हम मानते हैं कि न्याय के लिए लड़ाई में रोजी रोटी के लिए लड़ाई भी है, कश्मीर के लोगों के पक्ष में, के हक में लड़ना लड़ाई भी है। हिंदू मुस्लिम में लड़ाई ना हो, हिंदू मुस्लिम के नाम पर सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ बोलना, ये भी हमारे लिए न्याय की लड़ाई है। और ये सारी चीजें हम लड़ेंगे और जीतेंगे। एक आखिरी बात मैं कहूंगी, अभी अभी नोबेल प्राइज जो मिला है अर्थशास्त्र में, उसमें एक JNU के पूर्व छात्र को मिला है।
जो गरीबी को हटाने के नाम पर ही नीतियां लेकर के उन्होंने शोध किया है, उसी के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला है, नोबेल पुरस्कार। ये सरकार जो है गरीबों के बीच में जो काम करते हैं हमारे देश में, सुधा भारद्वाज जैसे लोग, ट्रेड यूनियन के लोग, उनको उठा करके उनको जेलों में बंद करती है, कहती है कि वो देश विरोधी है। जबकि गरीबों के बारे में जो लोग सोचते बोलते हैं, लिखते पढ़ते हैं, वो वहाँ नोबेल प्राइज कमा लेते हैं, भारत से ही पढ़े हुए लोग। और हमारे देश की जो यूनिवर्सिटी, जहाँ गरीबों के बारे में, गरीबी से निवारण, इस मंदी से निजात पाने के नाम पर जो लोग काम करते हैं, सोचते हैं, लिखते पढ़ते हैं, उन सबको ये देशद्रोही कह देते हैं, यूनिवर्सिटी बंद कर दो। तो इन सबके खिलाफ आवाज उठाना और कहना कि हम सच के साथ खड़े हैं, हम न्याय के साथ खड़े हैं, हम अपने हकों के लिए भी लड़ेंगे, सबके हकों के लिए लड़ेंगे, ये काम वामपंथ इसमें सबसे आगे है। वामपंथ को कोई इस मामले में चुप नहीं कर सकता, डरा नहीं सकता, धमका नहीं सकता, बैठा नहीं सकता। और इसीलिए आज सड़क पर है, लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे, जब तक जीत नहीं होती है तब तक जरूर लड़ेंगे। इंकलाब जिंदा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।